राष्ट्रीय दिव्यांग सेना आज जंतर मंतर पे मौजूद है। आज इनका जो मुख्य कारण है ये है कि इनको चुनाव चिन्ह नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के वासुदेव बादल जी। वासुदेव जी, जानना चाहेंगे कि क्या मुख्य कारण है कि चुनाव चिन्ह आपको नहीं दिया गया, क्या लगता है इसी? देखिए सर, जब से हमारे देश स्वाधीन हुई है, हमारे दिव्यांग को कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी है, हमारे दिव्यांग के लिए कुछ नहीं किया। हमारे सारे देश में 9 करोड़ दिव्यांग है। अब की बार हमने ये सोचा कि जो 2019 चुनाव दिव्यांग खुद ही अपना चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए हमें एक राष्ट्रीय दिव्यांग सेना नाम का एक संस्था बनाए, पार्टी बनाए, और उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3 महीना हो गया। चुनाव आयोग में दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का जो अधिकारी हमारे को अनदेखा कर रहे हैं, ना हमारी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा, ना हमारी चुनाव चिन्ह दिया जा रहा, इसीलिए आज हम उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और तब तक यहाँ बैठ रहेंगे जब तक हमारे रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता कि चुनाव चिन्ह नहीं मिल जाता। चुनाव को कुछ ही समय रह गए हैं, कुछ ही महीने रह गए हैं, तो आपको अधिकारियों की तरफ से क्या दिए गए, क्या कारण है जो चुनाव सर आश्वासना दे रहे हैं? जी हाँ, आज आ जाना, कल आ जाना, परसों आ जाना, आपके नंबर लेके रखे, मिल जाएगा। आज साहब मीटिंग में, कल छुट्टी में, बहानाबाजी कर रहे हैं लेकिन काम पर नहीं कर रहे सर, इसीलिए हम हाँ तो हो गया जी, मजबूर से यहाँ बैठे। हमारे साथ पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी यहाँ पे काफी, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं जैसे उनका वोट काफी है और आप लड़ भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है कि जहाँ सपोर्ट मिलना चाहिए आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है? राष्ट्रीय दिव्यांग सेना पिछले 2012 से अपने अधिकार के और समाज में अधिकार से वंचित लोगों के लिए हजारों के हिसाब से आंदोलन करती हुई आई, और आंदोलन के साथ साथ हजारों संख्या में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी को और कई अन्य सरकारों को, कई राजनीतिक पार्टियों को अपने अधिकार के लिए ज्ञापन, विज्ञप्ति दी, लेकिन अभी तक हमारे विषय में किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए पिछले 2012 को युवा दिवस पे स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सेना राजनीति के मैदान में उतरी और ऐलान किया कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। साथियों, उसी के बाद में चुनाव आयोग में जो भी फॉर्मेलिटीज थी, सारे डॉक्यूमेंट सहित हमने सबमिट किए, और उसके बाद में कहा कि एक सिंबल मुझे दिया जाए, आप अपनी अनुमति द्वारा एक सिंबल दे दिया जाए, जिससे हम अपने लोकसभा क्षेत्रों में 545 लोकसभा क्षेत्रों में 9 करोड़ दिव्यांग हमारे हैं, हम हर एक लोकसभा में दिव्यांग व समाज व अधिकार जो लोग हैं, वंचित हैं, उनको प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन हमें एक सिंबल नहीं दिया जा रहा, हमारे मनोबल को कहीं तोड़ा जा रहा है, और मुझे लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं साजिश है, क्योंकि 1500 पार्टी रजिस्ट्रेशन हुई है, मैं कंटिन्यू पैर घिस गए मेरे चुनाव आयोग में जाते जाते, ग्राउंड फ्लोर लेके 7वें फ्लोर तक हम खुद जाते रहे कंटिन्यू। मुझे 2 दिन पहले तक आश्वासन दिया गया कि चुनाव चिन्ह आपको दिया जाएगा, पार्टी रजिस्ट्रेशन आपको किया जाएगा, आप टेंशन ना, लेकिन मुझे परसों बोल दिया गया कि आपको लोकसभा चुनाव के बाद में चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। राष्ट्रीय दिव्यांग सेना पूरी आहत है और बहुत ही ज़्यादा मायूस है, निराश है, उनके मनोबल को तोड़ा जा रहा है, जो कि पूरे देश के दिव्यांग और समाज व अधिकार के लोग राष्ट्रीय दिव्यांग सेना पे बड़ा गर्व करते थे। पहला प्लेटफार्म था, चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाने का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसके लिए आज मैं अनशन पर बैठूंगा और हमारे कई अन्य साथी भी अनशन बैठेंगे, जब तक चुनाव चिन्ह नहीं मिल जाएगा तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। राष्ट्रीय दिव्यांग सेना धरना प्रदर्शन कर रही है और रोष व्यक्त कर रही है, क्योंकि पूरे राष्ट्रीय दिव्यांग सेना आज मायूस है, निराश है। बादल भाई इधर, जो चुनाव आयोग द्वारा एक सिंबल नहीं दिया जा रहा है। बादल भाई, साथियों, आज बड़े दुखी विषय है, क्योंकि आज राष्ट्रीय दिव्यांग सेना लोकसभा चुनाव के लिए 85 बार ऐलान कर चुकी थी कि 545 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशी उतारेंगे। आज हमारा मजाक बनाया जाएगा और राजनीतिक पार्टियों ने मेरे साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, इसीलिए मुझे आज चुनाव चिन्ह नहीं दिया जा रहा चुनाव आयोग द्वारा। जितने भी हमारे साथ